डी रेटर। आज बात करेंगे डिरेटर के बारे में। पावर प्लांट में जो स्टीम साइकिल होती है उसमें दो हीट एक्सचेंजर जुड़े होते हैं। पहला होता है कंडेंसर जो स्टीम टरबाइन के एग्जॉस्ट में लगे रहता है, और दूसरा होता है फीड वाटर हीटर। ये लगा होता है बॉयलर फीड वाटर के लाइन में। ये टरबाइन से निकलने वाली जो एग्जॉस्ट एक्सट्रैक्शन स्टीम को यूटिलाइज करता है। तो हीट एक्सचेंजर जो होते हैं वो मेनली दो तरीके से होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट कंडेंसिंग टाइप और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सरफेस कांटेक्ट टाइप। तो डिरेटर जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कंडेंसिंग टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। तो इसके क्या फंक्शन है डिरेटर का? इस डिरेटर का जो फंक्शन है वो जो है वो डिजॉल्व और नॉन कंडेंसेबल गैसेस होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिमूव करना होता है, और बॉयलर के जो फीड वाटर को ये गर्म करना रहता है। ये दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है इसमें। पहला होता है थर्मल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है ऑक्सीजन मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है करोजन के लिए बॉयलर पार्ट्स में। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है जो ऑक्सीजन होता है उसको वाटर से निकाला जाता है वाटर को करोजन फ्री करने के लिए। ठीक है, तो इसमें वाटर और स्टीम मिक्स होता है, और वाटर का टेम्परेचर इसमें क्या होता है, वाटर और टेम्परेचर मिक्स होता है, जिससे क्या होता है कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो जो सारे जो नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस है वो रिमूव हो जाता है वेपर वेंट से। ठीक है, ये एक हेनरी के नियम पर काम करती है। तो हेनरी क्या बोलता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एबो लिक्विड सरफेस। मतलब क्या होता है कि इसमें हेनरी ने बोला है कि प्रेशर लगाकर गैसेस को लिक्विड में डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक एक पिस्टन सिलेंडर है जिसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब जिसकी में वाटर है और ऊपर गैस है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से ऊपर से प्रेशर लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर लगाकर और ज़्यादा प्रेशर लगाकर हम ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से ये हेनरी लॉ कहने का है। दूसरा ये भी स्टेटमेंट है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज विद अ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। मतलब कि जो लिक्विड की टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो लिक्विड में जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो घटती है। इसलिए इसमें एक डिरेटर चैम्बर्स होते हैं, इसमें फीड वाटर स्टोरेज डिरेटर स्टोरेज टैंक होते हैं। ठीक है, जो डिरेटर चैम्बर में है वो फीड स्टोरेज टैंक के ऊपर, ये जो डिरेटर चैम्बर है वो फीड स्टोरेज टैंक के ऊपर लगा होता है, ये पाइप से कनेक्ट रहता है। इस डिरेटर चैम्बर में डिरेशन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले यहाँ से डीएम मोटर से मेकअप वाटर आता है ये वाटर हेडर को, और इसमें एक एसएस की नोजल्स लगे होते हैं, और यहाँ यहाँ से कंडेंसेट वाटर आता है सीयूपी पंप के डिस्चार्ज से डिरेटिंग चेम्बर में। ये एलपी एलपी हीटर से आता है, एलपी हीटर से होके आता है। अब
ये वाटर डिरेटिंग चैम्बर में छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये ब्रेक होता है। पहले ये नोजल्स में, उसके बाद ये ट्रे में आने के बाद ये ब्रेक हो जाता है, जिस तरह से शावर में पानी गिरता है उसी तरह से। जब वाटर को ऊपर डिरेटर चैम्बर से नीचे स्टोरेज टैंक की तरफ गिराया जाता है, तो यहाँ से एक स्टीम इनलेट से एक वाटर, ये जो स्टीम इनलेट है वहाँ से लो प्रेशर स्टीम सप्लाई किया जाता है स्टीम डिस्ट्रीब्यूटर को, हेडर को। यहाँ से स्टीम ऊपर की तरफ डिरेटर चैम्बर की तरफ मूव करता है। यह स्टीम जो ऊपर जा रहा है और वाटर वाटर जो नीचे आ रहा है, दोनों मिक्स हो जाते हैं, जिसमें फीड वाटर, जिससे क्या होता है वो फीड वाटर गर्म हो जाता है। तो डिरेटर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट तक ये ठीक है। तो यहाँ वाटर के गर्म होने पर गैसेस की डिसॉल्विंग कैपेसिटी होती है वो वाटर में कम होती है, तो इसलिए जो डिसॉल्व गैसेस है वाटर में वो इजली यहाँ से वेंट से वो निकल जाता है। यहाँ से एक इनिशियल हीटिंग लाइन दिया होता है, जो शुरू में वाटर का जो टेम्परेचर है वो लो रहता है, तो उस वाटर की को हीट करने के लिए यहाँ से हीट स्टीम प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ डिरेटर चैम्बर के टॉप में एक वेपर वेंट लगे होते हैं, जिसमें से नॉन कंडेंसेबल गैसेस वो निकाला जाता है यहाँ से। यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व दिया जाता है, इनकेस यदि डिरेटर में प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसे ब्लो करने के लिए होता है। अभी हम बॉयलर फीड वाटर डिग्रेशन के बाद जो वाटर है वो फीड स्टोरेज टैंक में स्टोर हो जाता है, जो डिरेटर चैम्बर के जस्ट नीचे लगा होता है। इस फीड स्टोरेज टैंक में एक सक्शन लाइन बॉयलर फीड वाटर पंप से कनेक्ट रहता है, जो बीएफपी में वाटर जो बीएफपी वाटर को सक कर बॉयलर को सप्लाई करता है। जो यहाँ पे बीएफपी की ऑटो रिसर्कुलेशंस मिनिमम फ्लो लाइंस वाल्व भी होते हैं, और साथ ही पंप बैलेंस लीक ऑफ लाइन भी कनेक्ट रहता है। ये क्या करता है, जो बैलेंस डिस्क की जो बैलेंस डिस्क होता है उसमें वाटर लीक होता है तो उसे वापस डिरेटर में भेज देता है। यहाँ से एक डिरेटर के बीएफपी के सेक्शन लाइन में एक एलपी डोजिंग के लिए लाइन कनेक्ट रहता है, जिसमें सोडियम सल्फाइड Na2SO3 या फिर हाइड्रोजन N2S4 को यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है। यह एक वैक्यूम बैगर लगा होता है जो फीड स्टोरेज टैंक की जो सेफ पार्ट के लिए, ये जो है वो वैक्यूम के जो फॉर्मेशन को अवॉइड करता है डिरेटर के अंदर। यहाँ पे एक लेवल गेज लगा होता है जो फीड स्टोरेज टैंक के अंदर लेवल देखने के लिए, ये लेवल लेवल कंट्रोल वाल्व के द्वारा, और जो डिरेटर है डिरेटर में जो प्रेशर है और स्टीम का जो फ्लो है उसको ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व से मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे एक ओवरफ्लो लाइन दिया होता है, जो फिर स्टोरेज टैंक के जो सेम हॉट वेल जो फिर स्टोरेज टैंक से हॉट वेल को कनेक्ट रहता है।
ये रेगुलेटर स्विच, रेगुलेटर जो होता है रेगुलेटर लेवल स्विच से ये इंटरलॉक रहता है। इसमें एक ड्रेन भी दिया होता है जो मेंटेनेंस पर्पस यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो रेगुलेटर का जो मेन पर्पस होता है वो डीएम वाटर से जो बॉयलर में जाने से पहले उनमें से डिजॉल्व गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस होते हैं उसको बाहर निकालना होता है, ताकि जो बॉयलर के अंदर जो प्रेशर पार्ट्स है उसमें किसी भी तरह का जो डैमेज है वो ना हो।